सदाना की मौत की खबर हम सभी पत्रकार लोगों के लिए एक झटके की तरह है, जो ऐसा झटका कि जिसे बर्दाश्त करने के लिए हमें काफ़ी जो है हिम्मत जो है वो जुटानी पड़ेगी। रोहित एक हमारे ना सिर्फ कुलीग रहे, एक अच्छे दोस्त भी जो है वो है। हालांकि जब उन्होंने जी छोड़ दिया तो उसके बाद भी वो कांटेक्ट में रहे, उनसे बातचीत अक्सर हुआ करती थी, लेकिन वो काफ़ी बिजी रहते थे अपने प्रोग्राम्स के सिलसिले में, तो इसलिए इतना ज़्यादा जो है वो रेगुलर जो इंटरवल है उस पर बात नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर भी रोहित की हम टच में थे। रोहित क्योंकि जब रोहित ने शुरू किया हमारे सामने इस प्रोफेशन को और जब जी में वो नए नए आए तो उनमें जो लगन थी काम करने की, वो लगन जो है सभी साथी कुलीग्स में जो थी वो देखते थे। उस किस तरीके से उन्होंने जो है एंकरिंग से ऊपर उठकर जो है कई प्रोग्राम्स जो हैं जी के लिए जो है वो तैयार किए। हालांकि अब वो हमारे साथ जी न्यूज़ में नहीं थे, लेकिन पत्रकारिता में वो थे और उनका जाना जो है पत्रकारिता जगत को एक बड़ा भारी धक्का है। उनका जाना जो है एक ऐसी जो क्षति है जिसका पूर्ण होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ना सिर्फ एक अच्छे जर्नलिस्ट, एक अच्छे इंसान भी थे। पिछले दिनों वो लोगों से जो है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपील भी अपने ट्विटर हैंडल पे वो किया करते थे, और उसके साथ साथ जो है जिस तरीके से वो प्रोग्राम को जो है प्रेजेंट करते थे, काफ़ी उनके चाहने वाले भी उसमें बन चुके थे। जी न्यूज़ में उन्होंने ताल ठोक के प्रोग्राम जो है अभी काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को शुरू किया था, और उसके बाद अब आज तक में वो दंगल प्रोग्राम को जो है वो किया करते थे, लोग उनके प्रोग्राम का इंतज़ार किया करते थे। रोहित आज हमारे साथ नहीं रहे, ये यकीन करना एक बड़ा मुश्किल सा काम है। हालांकि लेकिन जो सच है वो सच यही है कि रोहित तुम बहुत याद आया करोगे।